हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान की महिमा अपने भक्तों से ही है। भगवान अपने सच्चे भक्तों के कल्याण के लिए अनेकों रूप में अवतरित होकर धरती पर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के परम भक्त से जुड़ी एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, सदना नाम का एक कसाई एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ईमानदार था। सदना पैसे से कसाई होते हुए भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके मुंह पर हमेशा भगवान विष्णु का ही नाम रहता था। यहाँ तक कि वह मांस को काटते और बेचते समय भी भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। एक दिन की बात है, सदना कहीं जा रहा था तो उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। सदना उस पत्थर को उठाकर देखने लगा। उसने सोचा, यह पत्थर मेरे मांस को तोलने के लिए काम आ जाएगा, मैं इस पत्थर को रख लेता हूँ। फिर सदना अपनी दुकान पर आकर उस पत्थर से मांस को तोलने लगता है। दोस्तों, सदना यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह जितना मांस तोलने की कोशिश करता है, वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। यह देखकर सदना इस सोच में पड़ जाता है कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि कोई जादुई पत्थर है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास कोई जादुई पत्थर है। वह जितना मांस तोलना चाहता है, वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। यदि किसी को 1 किलो मांस चाहिए होता था तो तराजू के एक तरफ उस पत्थर को रखने से वह पत्थर भी 1 किलो का हो जाता था। ऐसा ही यदि किसी को 5 किलो मांस चाहिए होता था तो वह पत्थर 5 किलो के भार के बराबर हो जाता था। ऐसे चमत्कार के कारण लोग दूर दूर से सदना कसाई की दुकान पर आने लगे, जिससे सदना कसाई की दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी। एक दिन जादुई पत्थर की यह बात उस गांव के एक बुजुर्ग पंडित तक भी पहुंच गई। मंदिर में आए किसी भक्त ने पंडित जी को सदना कसाई के उस चमत्कारी पत्थर के बारे में बताया। यह सुनकर पंडित जी के मन में भी ऐसे चमत्कारी पत्थर को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। पंडित जी ऐसी अशुद्ध जगह नहीं जाना चाहते थे जहां मांस काटा जाता हो, लेकिन ऐसे चमत्कार को देखने की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सोचा कि मैं दूर से यह सब देख लूंगा कि ऐसा कौन सा जादुई पत्थर है जो तोले गए मांस के वजन के बराबर अपना भार कर लेता है। दोस्तों, फिर पंडित जी मंदिर में आए उस भक्त के साथ जाकर दूर से ही सदना कसाई को मांस तोलते हुए देखने लगे। पंडित जी ने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। दोस्तों, जब पंडित जी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। पंडित जी उसी समय सदना के पास जाकर कहने लगे कि मैं केवल इस पत्थर के चमत्कार को देखने आया हूँ, लेकिन सदना, जिसे तुम जादुई पत्थर समझ रहे हो, वह असल में शालिग्राम जी है, जो भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, और शालिग्राम जी को मांस के बीच में रखना बहुत बड़ा पाप है। यह बात सुनकर सदना ने पंडित जी से कहा कि यह पत्थर अगर भगवान विष्णु का रूप है, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। सदना पंडित जी से कहता है कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप शालिग्राम जी के इस पत्थर को ले जाकर इसकी पूजा कर सकते हैं, तो कृपया आप इसे ले जाएं। इधर पंडित जी ने भी शालिग्राम जी को ले जाने के लिए हामी भर दी और उस पत्थर को अपने साथ घर ले आए और गंगा जल से उसे शुद्ध कर नित्य उसकी पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक रात पंडित जी को शालिग्राम जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उस कसाई के पास दोबारा ले जाओ। तुम भी मेरी पूजा अर्चना बहुत विधि विधान से करते हो, लेकिन वह कसाई जो पूजा करना नहीं जानता, फिर भी मेरे नाम का सुमिरन करता है, मैं उसकी ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उसके पास चलकर आया हूँ। सदना के मुख पर सदैव मेरा नाम रहता है, इसलिए मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। सदना मुझे निस्वार्थ भाव से याद करता है, वह भी तुम्हारी तरह मेरा परम भक्त है। अगली सुबह पंडित जी ने शालिग्राम जी की पूजा करके उन्हें सदना को वापस करने के लिए निकल गए और सदना की दुकान पर पहुंचकर पंडित जी ने सदना को सपने में आए भगवान शालिग्राम की सारी बात बताई।
पंडित जी की बात सुनकर सदना की आंखों में आंसू आ गए। सदना ने पंडित जी से कहा कि यदि भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे लिए ऐसी अशुद्ध जगह आ सकते हैं तो मैं उनके लिए यह सब क्यों नहीं छोड़ सकता। आज से मैं भी मांस नहीं बेचूंगा और यह सब छोड़कर प्रभु श्री विष्णु की सेवा करूंगा। दोस्तों, सदना की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि भगवान को सच्चे दिल से याद किया जाए तो हमारी प्रार्थना उन तक जरूर पहुंचती है। दोस्तों, यह थी कहानी विष्णु भक्त सदना की। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री हरी।